मानसिक योग्यता परीक्षा में समरूप चित्र के संदर्भ में हम अभ्यास करेंगे, जिसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 11 जनवरी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्नचित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यह प्रश्न देखें, यहाँ एक वृत्त है और कुछ भाग रंगे हुए हैं, तो आप देखें ये दो भाग बिना रंगा है और यहाँ भी दो भाग बिना रंगा है। इसमें 3 भाग है इसलिए नहीं है। इसमें देखें दो भाग बिना रंगे हैं, दो भाग बिना रंगे हैं, यह है, यह भी देखें यहाँ रंगा हुआ, यह भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यह स्पष्ट है इसका उत्तर बी है जो इसके बिल्कुल मेल खाता है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ एक वृत्त बना है और वृत्त को 2 रेखाओं से काटा गया है, फिर एक वर्ग का निर्माण किया गया है अंदर। आप देखें इसमें 0 दोनों ऊपर हैं और पाई ऐसे खींचा गया है। इसमें देखें यहाँ 0, यहाँ 0 नहीं है इसलिए यह नहीं है। यहाँ 0 दोनों ऊपर है, पाई नीचे खींचा गया है, यह सही है, बिल्कुल मेल खा रहा है। यहाँ देखें यहाँ 0 नहीं है इसलिए नहीं है, यहाँ दोनों ऊपर पाई है, इसका उत्तर बी वाला है, जहां दोनों 0 ऊपर है, पाई नीचे है, बिल्कुल मिलती हुई आकृति है। अगले प्रश्न देखें, प्रश्न 7, यहाँ एक दूसरे को काटते हुए तीर का निशान है, तीर निशान दोनों तरफ है। यहाँ देखें यहाँ तीर का निशान नहीं है इसलिए नहीं है, यहाँ तीर का निशान नहीं है इसलिए नहीं है, यहाँ देखें दोनों तरफ तीर बना हुआ है इसलिए इसका उत्तर सी है, यहाँ देखें तीर नहीं है, तो बिल्कुल मिलता हुआ आकृति सी है। यहाँ देखें यह पंचभुज बना हुआ है और पंचभुज के 3 शीर्ष देखें, 1 शीर्ष, 2 और यह एक गैप करके तीसरा चौथा, 1 2 3 पर 2 रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ देखें 1 पर 2 रेखाएं, यहाँ 2 रेखाएं, यहाँ भी 2 रेखाएं हैं, जबकि यहाँ 2 रेखाएं नहीं है इसलिए नहीं है। यहाँ देखें 1 2 3 इन तीनों पर 2 रेखाएं हैं, अतः यह बिल्कुल मिलता हुआ है। यहाँ देखें एक ही रेखा है, यह नहीं है। यहाँ देखें एक रेखा है, 2 रेखा है, यहाँ एक ही रेखा है, ऐसी स्थिति में इसका उत्तर बी सही है।